Assalamualaikum everyone, welcome back to a new vlog. आज है फ्राइडे 9 मुहर्रमुल हराम, तो हम जा रहे हैं अभी नमाज पढ़ने और मेरे साथ हैं मोहम्मद राहिम। लेकिन सबसे पहले हम निकले घर से बाहर, दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन मेरे साथ जा रहे हैं। मोहम्मद राहिम भी हैं हमारे साथ आज नमाज के लिए। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से नमाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं नमाज पढ़ के जुमे की वापस। जैसा मैंने आपको बताया कि आज है 9 मुहर्रमुल हराम और कल है 10 मुहर्रम, और 10 मुहर्रम को घर पर हर साल हलीम बनता है, लेकिन इस साल मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हलीम जो है वो खुद बनाऊंगा घर के अंदर पूरी देग। तो इसके लिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इसकी रेसिपी, और वो भी सिंपल आसान रेसिपी, कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और आप ट्राई करें तो आप कमेंट में मुझे बताइए। तो चलते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हलीम की तैयारी की तरफ। भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए दालें जो है वो अम्मी से निकलवा ली हैं। ये आपको दालें दिखा सकता हूँ, ये सारी दालें आ गई हैं। ये आ गया है इसके अंदर डलने वाला गोश्त भी। तो जैसे जैसे जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा आपके साथ इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करूँगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और सीखिए मुझसे न्याज के लिए हलीम की देख बनाना घर में। वो भी सबसे पहले बनाऊँगा मैं कोरमा हलीम के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हैं सारे हमारे मसाले। गोश्त जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ चुका है, तो हम पहले ये डालते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई सही नजर आ रहा है ना सबको? जाएंगे ये सारे मसाले। अब इसको मिक्स करते हैं। नहीं, मिक्स से पहले जाएगा तेल थोड़ा सा, और ये बनेगा सरसों के तेल में। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। भाई बाहर बारिश भी हो रही है, पता नहीं औरतें कैसे बना लेती हैं। भाई हेड्स ऑफ है हमारी अम्माओं को, और हम लोग खाकर भी जो है वो नखरी निकालते हैं कि इसमें ये कम है, और बकौल अम्मी के कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पहले पानी, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बंद करेंगे हम इसका ढक्कन, और इसको छोड़ देंगे हम गलने के लिए। जब ये गल जाता है तो फिर हम आते हैं दोबारा से इसकी तरफ। देखते हैं कि हलीम के लिए हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा। ये जी गोश्त की कंडीशन है। गोश्त को इस कदर जो है वो पकाया जाता है, इतना इसको नरम किया जाता है कि ये बिल्कुल रेशा रेशा आसानी से हो जाए, और हलीम के लिए फिर आसानी हो। खाता हूँ आपको इसके बाद का स्टेप। बच्चे कर रहे हैं ज़िद बाहर जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि इन्हें एक बार का राउंड दिलवा कर लाऊं, और मैं भी थोड़ा सा उनका राउंड कि क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसा है। तो देख रहे हैं आप गली के मामला के क्या हैं। तो चलें चलते हैं। तो जी बच्चों को लेकर आ गया हूँ बाहर, और बाहर आए हैं तो हमें नज़र आए हैं ये ताज़िए। लोगों का रश चेक करें आप। और ये रहा मैं, और ये रहे मोहम्मद राहिम। हिबा
आ गया हूँ घर पर वापस और आटे के साथ शुरू कर दिया है काम। ये पहले करनी है मुझे प्याज ब्राउन सुबह के लिए, हनीम के लिए। फिर उसके बाद जो है वो ये चल रही है तैयारी। चूल्हा आ गया है, चूल्हे को स्टार्ट करते हैं। कामी भाई माचिस। आग लगाते रहे मेरी जैसी है। आग लगा दी है भाई, फुप्पो का काम कर लिया है मैंने यहाँ पर। फुप्पो देखेंगी फिर? फुप्पो देख ही लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई पहले जाएगा इसके अंदर पानी। ये पूरा 19 लीटर पानी जाएगा इसके अंदर और हम चेक करेंगे, अगर कुछ कमी पेशी होगी तो उसको पूरा कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा गैलन जा चुका है इसके अंदर। ये आए हैं मेरे शागिर्द मुझसे हलीम की देख सीखने। आगे जाके बावर्ची का काम करना है। आगे जाकर इनका बावर्ची का काम करना है भाई। पहले जाएंगे इसके अंदर 2 चमचे लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद जाएगा 3 चमचा धनिया पाउडर। और अब ये जाएगा, अब जाएगा हल्दी पाउडर 4 चमचे। भाई मैं शागिर्द हूँ अपनी अम्मी का, तो ये उन्हीं के आशीर्वाद से काम हो रहा है। जिस जिसको पता है कि अम्मी के हाथ के टेस्ट का, उसे अंदाजा होगा कि ये हलीम कैसा बनेगा इंशाल्लाह। जाएगा कुटी हुई मिर्च 4 डोंगे, ये वाले डोंगे भाई, इसको चलो 3 कर देते हैं। हम तो स्पाइसी खाते हैं लेकिन थोड़ा सा तीखा खाने का दिल है। तीखा खाने का दिल है ऑडियंस को? नहीं है। आप इनको मिक्स करते हैं पानी के अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हलीम बनाते बनाते जो है वो ये कॉकरोच आ गया है घर में। ये मुझे इसे मारने का दिल नहीं था लेकिन फैजान भाई को एलर्जी है इन चीजों से, इसलिए मैं उसका ज्यादा ख्याल करता हूँ। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, अब इसका ये आ गया मेन वेपन, इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स। जो ये सीख रहे यहाँ भाई, क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। पानी में भी मसाले हैं। ये आ गई सारी गेहूं, जो चने की दाल जो धुल चुकी थी। अब इसको हम ढक देते हैं कि इसमें आ जाए जल्दी से उबाल। ये जल्दी से जब उबल जाएंगी तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपनी दूसरी दालें, तो फिर आपको दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। ये देखें आ चुका है इसके अंदर उबाल और अब हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पर। जो हमने पहले उबलने के लिए दालें डाली थी, गेहूं, जो और चने की दाल, उसके 1.5 घंटे बाद हमने वो छोटी दालें सारी इसमें डाल दी थी। लेकिन अफसोस कि हम उसको शूट नहीं कर सके क्योंकि हमारे कैमरामैन सो गए थे। तो अब ये हमारी अच्छे से दालें उबल चुकी हैं, अब इसके अंदर बारी है गोश्त डालने की। ये वो गोश्त है जो हमने अच्छे से पकाया था और इसको बिल्कुल देखें रेशा रेशा कर लिया था। तो अब ये जाएगा इसके अंदर, फिर इसके बाद इसमें करेंगे हम पानी ऐड। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें लगाएंगे घोटा, तो इसको करते हैं इसके अंदर शामिल। इस
करो। मिक्स कर लें आप। अब इसमें डालते हैं पानी और अब लगेगा इसमें मिक्स वेल का घोटा। यह है हमारे घोटे की मशीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा हलीम जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब जो है वो सिर्फ पुदीना, हरी मिर्च, अदरक इसके अंदर जाएगी, उसके बाद इसको दिया जाएगा भगार, फिर ये हो गया है फाइनल। और फिर आपको दिखाऊंगा। आज के दिन के लिए कहा गया है कि आप 10 मुहर्रमुल हराम को अपना दस्तरखान जितना वसी करेंगे, अल्लाह पाक आपको इतनी बरकत देंगे और आपका दस्तरखान बड़ा करेंगे। तो सब लोगों से सिर्फ कहूँगा, दरख्वास्त ये कि अपने दस्तरखान को बड़ा करें, कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत से बरकत अता फरमाएं। और जितनी जिसकी हस्बे तौफीक बंदा करे, अल्लाह पाक के यहाँ हमारा कुछ भी नहीं जाता, ना खाना ना पीना ना हमारी चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ हमारा खुलूस, इखलास और नियत जाती है। तो सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी हस्बे तौफीक नियत अच्छी करके बंदा काम करे, अल्लाह पाक कबूल करते हैं। अब आपको दिखा देता हूँ इसका एक, भाई ये देखें, मतलब इसमें रह गया है भगार का ऑप्शन, बाकी भगार दे के फिर आपको दिखाता हूँ नया। अब इसको दिया जा रहा है फाइनल टच भगार। पहले डालेंगे हम इसके अंदर ये अपनी जो रात को प्याज कर रहा हूँ मैं, सारी प्याज। और ये आ गया इसके अंदर घी, चला दो भाई। मेरी जो उस्ताद है मम्मी है, तो ये ना समझा जाए कि मुझे आता है, बहुत गर्म है भाई। हैट्स ऑफ अम्मी को, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। आप सब लोग दुआ कीजिए कि अम्मी की ही रहमत से हमें इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और इतने अच्छे अच्छे पकवान। अब एंड में जा रहा है इसके अंदर और गरम मसाला, आप कहीं का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये हो गया है फाइनल। दिखाता हूँ आपको अब अपना दस्तर। भाई मैंने सिर्फ तैयार किया था हलीम, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह घर वालों ने किया है ये सारा एहतमाम न्याज की तैयारी का। तो अब मैं शुरू करता हूँ न्याज देना, और फिर उसके बाद एहतमाम होगा तकसीम का। अना मोहम्मद इन मुबारक वसल्लम वसल्लू अलैहि, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह न्याज हो गई है कंप्लीट। अब मैं दुआए आशूरा सबको पढ़कर सुनाऊंगा। ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुहर्रम को सुनाई जाती है, इससे सब लोग हिफाजत में रहते हैं। और ये अगर आप सर्च करके खुद देखेंगे तो इसकी फजीलत आपको पता चल जाएगी। तो शुरू करता हूँ दुआए आशूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या काबिल तौबाती आदमा यौम आशूरा, या फारिज करबी जिन्नौनी यौम आशूरा, या जामिया शमसी, या नाउ टाइम टू डिस्ट्रीब्यूट। खोलो नहीं तो गेट खोलो।
अल्हम्दुलिल्लाह नियाज कंप्लीट हो गई, हलीम की देग भी तैयार हो गई। बहुत ज्यादा सिंपल रेसिपी के साथ आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको अपने घर में बना के जरूर ट्राई करें। और अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, क्योंकि मुझे देग से एक चीज पसंद आई है, उसके अंदर मैं सारे अपने एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा। लोगों के रिव्यूज भी आए अच्छे, लाइव कमेंट्स आए कि भाई बहुत ज्यादा टेस्टी हलीम बना था, सब में तकसीम भी किया लंगर। तो अपनी वीडियो को करता हूँ यहीं पर ही एंड, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है। वीडियो पसंद आई है आप लोगों को तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि जरूरत है अभी सब्सक्रिप्शन की। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।